हेलो गाइज, आप सबको भी फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धजन पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना की ओर से जो 60 एज क्रॉस होने के बाद वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के रूप में जो पेंशन दी जाती है, आवेदन के बारे में बात करने वाले हैं। लाइव आपको एक फॉर्म फिल करके स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप तक पहुंचते रहिए। आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको इस साइट पे आ जाना है सिंपली। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यहां से आप जैसे ही आएंगे तो ये है ऑफिशियली सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम SSPMIS। यहीं से हम इसके लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी रजिस्टर्ड फॉर MVPY, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक फॉर्म खोल के देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना MVPY के लिए आधार सत्यापित करें। यहाँ से सारी डिटेल डालने के बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या वो इस लायक हैं। अगर वो इस लायक होंगे तो आगे की प्रक्रिया, और यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं नीचे प्रोसीड प्रक्रिया शुरू करें, मतलब आगे की प्रक्रिया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी, अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी तो आप आगे की प्रक्रिया और आगे की फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसमें आपको बारीकी से देख लेनी है। आपको डिस्ट्रिक्ट पर एज अ नेम, आधार के अनुसार आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ से आप अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आ जाती है, यहाँ से आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ से स्कीम एक ही है, स्कीम ऑटोमेटिक से सिलेक्ट रहेगी। इपिक नंबर, मतदाता संख्या, वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर होती है इपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर, यहाँ से आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट नेम एज अ पर इपिक, नाम मतदाता के अनुसार, वोटर आईडी कार्ड पे आपका जो नाम है उसके अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना है, विथ स्पेलिंग आपको सही सही फिल कर देना है। नेक्स्ट बारी आ जाती है आधार कार्ड, आधार संख्या आपको यहाँ फिल कर देना है, आधार कार्ड नंबर डाल देनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है नेम एज अ पर आधार, आधार के अनुसार क्या आपका नाम है, विथ स्पेलिंग आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है लास्ट डेट ऑफ बर्थ एज अ पर आधार, आधार के अनुसार आपको डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आपको सही सही जानकारी, कोई भी इसमें गलत जानकारी नहीं फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन वैलिडेट आधार पे क्लिक करनी है, आपको आधार सत्यापित करें। जस्ट चलिए इस डिटेल को हम फिल कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमने इसमें सारी डिटेल फिल कर ली है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो के स्किप करके ना जाएं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको सारी डिटेल इसमें बारीकी से आपको फिल करके दिखाएंगे। फिर भी आपके पास कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ में आपको दिक्कत हुई है, उस चीज़ के बारे में हम अलग से एक वीडियो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको वैलिडेट आधार सत्यापित करें, आधार सत्यापित करें पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं ये लोडिंग ले रही है और आपकी एलिजिबिलिटी जो है चेक करके बताई जाएगी। और यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड, आधार के अनुसार आपकी सारी जांच प्रक्रिया जो है यहाँ से वेरीफाइड कर ली गई है और नेक्स्ट यहाँ से आपको एलिजिबल कर दिया गया है। प्रोसीड प्रक्रिया शुरू करें, आगे की प्रक्रिया हम यहाँ से इस वाले बटन पे क्लिक कर नेक्स्ट, और जैसे कि देख सकते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर आ चुके हैं। और यहाँ से हमें बारी बारी से सारी डिटेल को फिल करनी है। उस लेडीज की, हस्बैंड की नाम डाल देनी है, अन्यथा इसमें आप फादर की नाम डाल सकते हैं। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहाँ से बेनिफिशियरी मदर नेम, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर आप देखें स्टार, जितने भी टॉपिक पे लगी हुई है स्टार, उसे आप फिल करना ना भूलें, वो मैंडेटरी है, आप जरूर से जरूर उसे फिल करें। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहाँ से आपको अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, जिनका आप अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी जेंडर क्या है। नेक्स्ट बारी आ जाती है कैटेगोरी, किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं वो, यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहाँ से आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ से आपको डाल देनी है। हम आ जाएंगे यहाँ से एप्लीकेंट रेसिडेंसी एड्रेस डिटेल, आवेदन की आवासीय पता विवरण यहाँ से फिल करनी है। आप किस एरिया के अंतर्गत आते हैं, रूरल आते हैं या अर्बन आते हैं, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप। नेक्स्ट बारी आती है यहाँ से आप पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आप अपने हिसाब से सारी डिटेल यहाँ से फिल कर लेंगे, एड्रेस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। वार्ड नंबर यहाँ से फिल नहीं हो पाती है, अगर आप यहां से वार्ड नंबर दिखाई जाए तो आप इसे फिल कर ले, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, ये वार्ड नंबर नहीं खुलती है। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहां से आपको फुल्ली पता आपको इसमें टाइप कर देनी है। नेक्स्ट अब आ जाती है यहां से आपको अपना पिन कोड डाल देनी है, एरिया पिन कोड जो होती है, यहां नंबर एंड इपिक नंबर यहां से आपको दिखाई जाएगी, इसे आपको सही सही मिला लेनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहां से एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स, दोस्तों यहां से आपको अपना जिस भी खाते में पैसा मंगाना चाहते हैं उस बैंक के बारे में सारी डिटेल इसमें आपको फिल करनी पड़ेगी, किस बैंक की अकाउंट है, किस नाम की ये बैंक है, बैंक का नाम यहां से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है बैंक का ब्रांच,
बैंक का ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ से बैंक की IFSC कोड सिलेक्ट करनी है। अकाउंट नंबर की जो लंबाई है, अकाउंट नंबर कितने डिजिट की है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है कितने डिजिट की है। नेक्स्ट बारी आती है अकाउंट नंबर, खाता संख्या, यहाँ से आपको फिल कर देनी है। इंटर नेम एज अ पर अकाउंट, अकाउंट पे आपका जो बैंक पासबुक है उस पर आपका नाम क्या है, आपको इसमें सही सही फिल करना है विथ स्पेलिंग। ना आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से आपको बारीकी से समझनी है कि क्या क्या इसमें आपको फिल करनी है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करनी है। यहाँ से जैसे कि देख सकते हैं आधार डॉक्यूमेंट, आधार दस्तावेज, यहाँ से आपको आधार की कॉपी अपलोड करनी है, स्कैन कर लेनी है आपको 200 KB, जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए, PDF फाइल में होनी चाहिए। नेक्स्ट बारी जाती है आधार कॉन्सेंट, यहाँ से देख सकते हैं आधार कॉन्सेंट डॉक्यूमेंट, आधार सहमति दस्तावेज। आप इसके बारे में अगर आपको न समझ में आए तो एक अलग से हम आपके लिए एक वीडियो लाकर दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट को आप कैसे अपलोड करेंगे सारी डिटेल उसमें बारीकी से है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की जो फॉर्म होती है, सहमति 1 सहमति 2 पत्र आपको इसमें स्कैन करके अपलोड करनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है यहाँ से आपको कस्टमर की वोटर आई डी कार्ड को सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। सभी की साइज़ जो होगी 200 KB से कम होगी और PDF के रूप में होगी। नेक्स्ट यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक पासबुक, आप जिस भी खाते की विवरण इसमें अपलोड किए हैं, जानकारी इसमें डिटेल फिल किए हैं जिस भी बैंक का, उसकी यहाँ से पासबुक की फोटोकॉपी स्कैन कर लेनी है, जिसकी साइज़ 200 KB होनी चाहिए और PDF के रूप में। एक आपको पासपोर्ट साइज़, जिस भी आप कस्टमर का फिल कर रहे हैं उसकी एक पासपोर्ट साइज़ आपको यहाँ पे फोटो ले लेनी है, जिसकी साइज़ 30 KB से लेकर 50 KB के अंदर होनी चाहिए आपकी, और वो भी JPG मोड में होनी चाहिए। यहाँ से सारी डिटेल को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से लास्ट में एग्री कर देनी है, डिस्क्लेमर या एग्री करने के बाद सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स, इस पर आपको जस्ट क्लिक करनी है। तो चलिए सारी डिटेल को हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने सारी डिटेल इसमें फिल कर ली है और यहाँ से हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, सबमिट एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाली बटन को क्लिक कर देनी है और यहाँ से प्लीज वेट देखने को मिल रही है। हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज की ओर और यहाँ से प्रीव्यू आपको खुल के देखने को मिलेगी। आपको सारी डिटेल जो भी आपने फिल की है यहाँ से सही सही आपको मिलान कर लेनी है। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप कुछ भी आपके पास गलती हुई है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट हम फाइनल सबमिट की ओर बढ़ेंगे। आपने किस चीज़ में क्या चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आधार डॉक्यूमेंट में आपको व्यू पे अगर जस्ट आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से PDF के रूप में ये जो भी आपने अपलोड की है, जो भी फाइल अपलोड की है, यहाँ से खुल के देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से सही सही आप सभी को मिला लें, अगर आपकी सही है तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट की ओर बढ़ेंगे और यहाँ से फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ से ओके कर देनी है और यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से देखने को मिल जाएगी। यू हैव अ सक्सेस एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एज अ डेट ऑन, आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और सेंड, यहाँ से सेंड कर दी गई है पंचायत वेरिफिकेशन। यहाँ आपने जो भी एप्लीकेशन अप्लाई किया है, ऑनलाइन जो फिल किया है, यहाँ से अब सेंड कर दी गई है पंचायत वेरिफिकेशन के लिए और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक करनी है। आपका जो बेनिफिशियरी आईडी है यहाँ से देखने को मिल जाएगी, बेनिफिशियरी आईडी आपका जनरेट हो चुकी है, जस्ट आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ से जैसे हम इसे ओपन करके आपको दिखा देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये पावती, आवेदन की पावती आपको रिसिप्ट देखने को मिल चुकी है। आप इसे प्रिंट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे अपने पास ही रख ले। ये रही पूरी डिटेल, आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए आप घर बैठे आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप अपने सिस्टम से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो, आपके मन में कोई भी परेशानी हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपके कमेंट का हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।